आज हम लोग का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और कुल जी का कृपा है कि हम लोग यहाँ पे आए। और कुल जी का पहले से आदेश था कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो कुल जी के कथानुसार मैं आया हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग का भी सही मिल सके और आप लोग को कुछ कुछ सुना के पाऊँ। और ये भक्त लोग सभी यहाँ वहाँ पे आते हैं सेंटर पे। हम लोग का एक सेंटर है इस्कॉन का ब्रांच है। इस्कॉन का नाम आप लोग सुने, कितने लोग सुने इस्कॉन का नाम? सुन के तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई कंपनी का नाम है, ऐसा ही लग रहा है। इस्कॉन पे कंपनी भी बोल सकते हैं, कंपनी में क्या होता है ऐसे जनरली कंपनी क्या होता है, उन्हें कुछ मैन्युफैक्चर होता है, सप्लाई किया जाता है। तो इस्कॉन के कंपनी में क्या होता है? इस्कॉन के कंपनी में भगवान के संदेश को बनाया तो नहीं जाता, यहाँ से आगे बढ़ाया जाता है। सही संदेश को इसमें कुछ मिक्स नहीं किया जाता है। भागवत गीता, भागवतम, इस सब के आधार पे इस्कॉन के कंपनी से संदेश को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसे कंपनी नहीं है, एक समाज है। जैसे आप लोग भी समाज में रहते हैं, तो आपके समाज का नाम क्या है, लोकेलिटी जहाँ पे आप लोग रहते हैं? इसे कॉलोनी जैसे हल्दी चौर, हल्दू चौर बोलते हैं, एक तरह से लोकेलिटी है ना, या फिर एरिया है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, जो भगवान के शुद्ध संदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक समाज बनाए। क्योंकि समाज में आप लोग देखते होंगे कि आजकल किसी के पास सही नॉलेज नहीं है, सभी अपने मन से बोलना शुरू कर देते हैं। आपसे पूछूं कि भगवान कौन है तो आप बोलना शुरू कर देंगे, माता से पूछूं ये बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे जनरली जो इंजीनियरिंग ब्रांच का लड़का होता है तो अपना इंजीनियर है, अपना ये देश के लिए कुछ करेगा। डॉक्टर है तो अपने ऑफिस हॉस्पिटल में बैठेगा, अपना काम करेगा। लेकिन जब धर्म की बारी आती है ना, तो सभी कुछ ना कुछ फिलोसफी देने लगता है। ऐसा होता है ना, उस टाइम में नहीं सोचता है कि मैं क्या हूँ, ये सोचता है कि मैं क्या जाते जानता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है। तो बिल्कुल ही गलत है। हम लोग को पहले कोई भी चीज बोलने से पहले समझनी चाहिए कि मैं किस ब्रांच से हूँ। आप कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया हो और इसको हॉस्पिटल में बैठा दे, ये क्या करेगा? ये चीड़ फाड़ करेगा? नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है उसका, है ना? तो धर्म पे उसी को बोलना चाहिए जो प्रमाणिक संत हो, सभी को नहीं बोलना चाहिए। और आजकल जो धर्म से हम लोग दूर जा रहे हैं ना, आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग ना इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि देख रहे हैं धर्म के बीच में आके झगड़ा हो रहा है। ये बाबा जेल चला गया, कोई आया था वो कहीं चला गया, है ना? तो इससे विश्वास टूट रहा है लोगों का और धर्म से दूर जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? अपने मन से कुछ भी बोलते हैं। मेरा मन हो रहा है भगवान ये है तो चलो मैं मान लिया। ये प्रोजी का मन हुआ भगवान खुट्टा है तो ये खंभा को भगवान मान लिया, है ना? ये प्रोजी का मन हुआ ये माइक भगवान है, माइक को भगवान मान लिए। तो आजकल कितने सारे भगवान हैं समाज में। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान कौन है तो सभी अपना अपना मत देंगे ना। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि भगवान कौन है तो कोई हाथ उठा के बोलिए। नहीं, इस डिपार्टमेंट से कोई नहीं बोलेंगे, इधर से कोई नहीं बोलेंगे। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उधर से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से जब पूछूंगा तब बताना। तो आपके दृष्टि में भगवान कौन है कुछ भी बताइए। गणेश जी है, भोले बाबा है, दुर्गा माता है, कृष्ण है, विष्णु है, कुछ भी बता दीजिए। कुछ नहीं, भगवान सर्वशक्तिमान। अच्छा, भगवान सर्वशक्तिमान। अच्छा, प्रभु जी में से कुछ नहीं आप लोग? भोले बाबा, देखिए ये कंफ्यूजन है ना, अभी भगवान के बारे में पूछा हूं तो कोई नहीं बोल पाता है ना। तो यही सही संदेश देने के लिए, वास्तविक संदेश क्या है, वास्तविक भगवान कौन है, आपके कहने या फिर मेरे कहने से कोई भगवान नहीं बन जाता है ना। भगवान पहले से हैं, जिसका चर्चा हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं चर्चा करूंगा तो भगवान आज बन जाएंगे, नहीं नहीं, भगवान पहले से हैं, जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और महान आचार्य हम लोग के जो साधु संत हुए हमारे देश के,
ये सब चर्चा किए हुए हैं, यीशु को दोहराने का प्रयास करूंगा मैं। और श्रील प्रभुपाद जो है, जिसको जगत गुरु का उपाधि दिया गया है, और ये मैं नहीं दिया हूँ, मैं स्पॉन्स से हूँ, तो इसलिए नहीं आप लोग बोले कि नहीं आप स्पॉन्स हो इसलिए जगत गुरु बोलते हो। इनको पूरे विश्व के संत लोग, स्पेशली भारत के, क्योंकि पूरे विश्व में तो संत है ही नहीं, भारत में भक्ति वेदांत की उपाधि दी जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो वेद को पढ़ाते हैं, उन्होंने इनको जगत गुरु का उपाधि दिया है, और उन्हीं ने इस्कॉन का स्थापना किया। इस्कॉन मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। एक भगवान के लिए, भगवान को समझने के लिए एक हॉस्पिटल भी और कॉलेज भी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ने के लिए या फिर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आप लोग कॉलेज जाते हैं ना, लेकिन अध्यात्म पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं ना, घर में जो कुछ बोल दिया इसको मान लेते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ये कैसे पता चलेगा? बचपन से आप लोगों को बोल दिया, ये माता बोली है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमान तो वास्तव में है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान का क्या रूप है ना? जैसे गुरु जी का नाम कॉलोनी टाइटल है आपका, है ना? अब टाइटल बोल दो कॉलोनी, कॉलोनी पर, लेकिन उसका तो कुछ स्वरूप है ना, उसका कुछ तो फेस है, शरीर है, उनके घर है, उनके बच्चे भी होंगे। तो इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान बोलने से क्या पता चलता है? उनका कोई नाम नहीं है क्या? उनका कोई रूप नहीं है? क्या बोलते हैं आप लोग? भगवान का भी तो कुछ नाम है ना, उनके भी तो घर है ना। अगर हम लोग के घर है, हम लोग का घर है, हम लोग का नाम है, हम लोग के बच्चे हैं, तो क्या भगवान जो परम पिता है, भगवान गीता में बोलते हैं सर्व योनि सुकौंतेय अहम बीज प्रपत्ता, मैं सभी योनियों का, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सभी का पिता हूं। नहीं कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं, आजकल ये भी झगड़ा होते रहता है ना, ये बोलता है नहीं नहीं कुरान मैं पढ़ूंगा मुस्लिम हूँ, हिंदू बोलता है नहीं नहीं मैं गीता पढ़ूंगा। ये दूसरी बात है कि हम लोग में से, हिंदू में से कोई गीता नहीं पढ़ा होगा, मैक्सिमम थोड़े को छोड़ के। आप लोगों में से कितने हैं जो गीता पढ़े हैं? आप लोग हिंदू हैं? नहीं, आप लोग हिंदू हैं? ऐसे शास्त्र में कहीं हिंदू शब्द का यूज नहीं है। आप जो बोलेंगे ना कि नहीं नहीं हिंदू है, आजकल तो हिंदू मुस्लिम के लड़ रहा है ना सभी, ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं है। ये नाम बता कि बना दिया गया है और इस पे सभी झगड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मैं सर्व योनि सुकौंतेय हैं, मैं सभी योनियों का पिता हूँ, मैं सभी जीवों का पिता हूँ, चींटी का भी हूँ, गाय का भी हूँ, मनुष्य का भी हूँ, अमेरिकन का भी हूँ, इंडियन का भी हूँ। इसमें अंतर नहीं किया गया है कि मैं सिर्फ इंडियन का पिता हूँ। श्लोक से आपको पता चल रहा है कि इसमें लिखा है कि इंडियन का पिता हूँ, तो हम लोग झगड़ क्यों रहे हैं? झगड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सही नॉलेज नहीं है। मैं कहीं गया हूँ झगड़ा करने, या फिर जो सही मुसलमान हो गया ना वो झगड़ा नहीं करता। एक के पाकिस्तान से है जिसे कभी कभी बातचीत भी होती है, एक सईद है, ये बहुत अच्छा स्कॉलर है इस्लाम का, और ये जब बात होती है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं इस्लाम में कभी भी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है जिहाद टाइप का या फिर मारने इस टाइप का कहीं मेंशन नहीं है। ये सब कुछ मौलाना या फिर इस टाइप से हिंदू धर्म से कुछ पंडितों ने अपना दुकान चलाने के लिए इस टाइप से नॉलेज दे दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? सही नॉलेज नहीं होने के कारण से। लेकिन आप लोग के पास अगर सही नॉलेज आ जाए, एक भगवान की चर्चा हो, एक मंत्र की चर्चा हो, एक धर्म की चर्चा हो, तो आप लोग कहीं कंफ्यूज करेंगे नहीं करेंगे ना? तो आप लोग कभी सोचे हैं कि ऐसा किसी संस्था में पढ़ाई होता है जो एक धर्म है, एक मंत्र है, एक भगवान है, ऐसा कुछ भी? या फिर जानने का प्रयास किए हैं आप लोग? जो इतना झगड़ा हो रहा है, कहीं तो कोई चैन से कोई बताए कि नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, एक यही भगवान है, कभी नहीं सोचा होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो है एक इस्कॉन समाज की स्थापना किए हैं, जिस समाज में आपको किसी मन के आधार पर नहीं, मेरा मन कर रहा है ये है, मेरा मन कर रहा है वो है, नहीं नहीं, आपके मन और मेरे मन के आधार पर नहीं, जो हम लोग का शास्त्र बोल रहे हैं, जो हम लोग का ग्रंथ बोल रहे हैं, उसमें क्या सही नॉलेज दिया गया है, उस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए एक समाज की स्थापना की गई है, जिस समाज में रह के हम लोग सही नॉलेज ले सकते हैं, है ना? तो अब ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का बोलना है
तब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जो शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, ये भी तो किसी इंसान का लिखा हुआ है, कैसे माने कि ये शास्त्र में सही लिखा है? जब ज्यादा डिस्कस चलने लगती है तो ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना आप लोग। तो आप जो बोल रहे हो गीता में ऐसा लिखा है, गीता में वैसा लिखा है, तो गीता में तो इंसान ही लिखा है, तो गीता में जो लिखा है ये सही कैसे है? तो इसका ऐसे क्लास होता है हम लोग के यहाँ, इसको डीवाई सेशन बोलते हैं, डिस्कवरी होता है, जिसमें बताया जाता है कि क्या हम लोग का वेद मैथोलॉजी है, मनगढ़ंत है, जिसमें से जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं आप वहाँ पे आ सकते हैं और ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अभी जगन्नाथ जी का बताना है तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पे जो विराजमान है ये कौन है? आप लोग यहीं से है ना? अच्छा, यहाँ पे राधा जी दिख रहे हैं आपको? बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अच्छा, भाई बहन है, किसके भाई बहन? जगन्नाथ जी के। अच्छा, ये कृष्ण कौन से है, काले वाले या फिर गोरे वाले? काले वाले। अच्छा, काले वाले कृष्ण, गोरे वाले कौन है? मतलब बलराम जी है ना, और पीले वाले सुभद्रा माता। तो कृष्ण का जैसे ये कृष्ण है ना, वहाँ पे फोटो है तो उसमें तो बांसुरी बजा रहे हैं ना, उसमें तो इतने अच्छे से सजाया गया है, मुख दिख रहा है, आँख दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, हाथ में देखिए बांसुरी बजा रहे हैं, ये सब पहने हैं। नहीं नहीं, समझ गया। मेरा पूछने का मतलब ये है कि कृष्ण वो है ना जो ऊपर फोटो में है, तो कृष्ण ऐसे कैसे बन गए, जिसका हाथ क्या था पता नहीं है, आंख बड़ा बड़ा है, मुख बहुत बड़ा बड़ा है, ये सब कैसे हो गया? बलदेव जी, बलराम जी देखें कितने सुंदर हैं, अब बलराम जी का देखिए कैसा स्वरूप हो गया है, इतना इतना बड़ा बड़ा आंख है। इनके बहन को देखिए, हाथ ही गायब है। आप बताइए भगवान ऐसे होते हैं क्या? आप ही लोग से पूछे, ऐसे तो नहीं होते ना भगवान, तो ये कहाँ से आ गए? आप तो कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। ऐसे अभी मैं वहां पे यही चर्चा किया था जगन्नाथ जी का, कि जगन्नाथ जी इस फॉर्म में, इस स्वरूप में कैसे आए? ये कृष्ण है, बलराम है ना, इसमें राधा रानी नहीं, राधा अलग होती है, उनका कथा है। तो अलग अलग युग है और अलग अलग उपासना पद्धति है। सतयुग में उपासना का जो तरीका बताया गया है ये है ध्यान। सतयुग में लोग ना तपस्या ध्यान किया करते हैं, मेडिटेशन, जैसे हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे आप लोग, ये ब्रह्मा जी का 7,000 साल तपस्या की है ना। तो उस दिन आप ये नहीं सुने होंगे कि हरिनाम संकीर्तन किए, इसका मेन जो था ये था मेडिटेशन, ध्यान करना। जब त्रेता आया तो उसमें क्या हो गया, उपासना का पद्धति थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें क्या हुआ, यज्ञ आ गया। इसलिए भगवान राम वाल्मीकि, सॉरी, ये विश्वामित्र थे ना, जिनके यज्ञ में ये सब डिस्टर्बेंस पैदा करने आते थे, हाँ तारिका, तो इस सब को यज्ञ होता था ना, इसी में डिस्टर्ब कर रहे थे राक्षस लोग। तो त्रेता में क्या आ गया, उपासना पद्धति यज्ञ। सतयुग में क्या था, ध्यान मेडिटेशन। त्रेता में यज्ञ आ गया, द्वापर में, द्वापर में आ गया डीटी वर्षित, मतलब जैसे भगवान का उपासना करना, भगवान के पास से ऐसे पूजन विधि आ गया। लेकिन कलयुग में, अभी हम लोग किस युग में है, श्योर है आप लोग कलयुग में ही है? तो आपको पता है कि कलयुग का युग धर्म क्या है, जैसे सतयुग का युग धर्म क्या है, ध्यान है ना, त्रेता का युग धर्म क्या है, यज्ञ।
द्वापर का युग धर्म क्या है? किसका किसका पूजा? इंसान का, भगवान का। और कलयुग का नहीं, आपको नहीं बोल जी। हाँ, क्या बोले? युग धर्म नहीं है, तो कला है। धर्म और कला में अंतर होता है। कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इस युग में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, इस युग में आप यज्ञ नहीं कर सकते, इस युग में आप डीटी वर्शिप नहीं कर सकते। इस युग में क्या कर सकते हैं? आप भगवान का नाम ले सकते हैं, और ये भी नहीं लेते हैं आप लोग। इस युग में एक ही ऑप्शन बचा है, जो है हरि का नाम लेना, और वो भी नहीं लेते हैं। तो हम लोग कहां से हिंदू या फिर कहां से सनातनी हुए? जो हम लोग का शास्त्र बोल रहा है ये नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों में फोल्ट है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे, आप लोग शुरू करेंगे हरिनाम संकीर्तन करना। तो इसके लिए पूजी बताएंगे आपको कैसे किया जाता है, या फिर अगर आप लोग के पास समय हो तो वहां पे हम लोग प्रवचन के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन भी सिखाते हैं, चैंटिंग माला करना सिखाते हैं। कलयुग में कुछ एक विधि है जो हम लोग सिखाते हैं। तो अभी जगन्नाथ जी के बारे में बता रहा था, तो ये कलयुग में युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और अलग 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 युग के अलग अलग भगवान ही है। जैसे सतयुग में कौन से भगवान सेवाते थे? सतयुग में आए हैं नरसिंह देव आए हैं, बराह देव आए हैं, ये सब सतयुग के भगवान। त्रेता के भगवान कौन है? भगवान राम त्रेता में आए थे। द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे। और कलयुग में नहीं, आपको नहीं बोलना। कलयुग के भगवान कौन है? कलयुग के भगवान है जगन्नाथ जी। तो आप बोलेंगे जगन्नाथ जी क्यों है, भगवान राम क्यों नहीं है? तो राम भी है, कृष्ण भी है ना। लेकिन राम कृष्ण के पहुंचने का हम लोगों में इतना साहस नहीं है कि कृष्ण का या फिर राम का उपासना कर सके, क्योंकि आप जब कृष्ण का उपासना करेंगे तो कुछ ना कुछ दूर होता है, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो सो के उठे और पहुंच जाते हैं मंदिर के, नहीं ना? पहले स्नान करते हैं, साफ कपड़ा पहनते हैं, तब मंदिर जाते हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण का जो डीटी है, मूर्ति है, वहां पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। लेकिन आपको बोलो कि बोलिए सीताराम, तो इसके लिए आपको स्नान बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं पहले स्नान करके आता हूँ तब बोलूंगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। सीताराम किसी भी हालत में बोल सकते हैं, हरे कृष्ण किसी भी हालत में बोल सकते हैं। इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। इसके लिए आप बोलते हैं कि नहीं नहीं स्नान करूंगा तब सीताराम बोलूंगा। देखिए सेम कृष्ण जिसके पास जाने के लिए आपको स्नान या फिर विधि का पालन करना होता है, और यही नाम के रूप में अवतार लिए हैं। कलयुग में जो है वो कृष्ण नाम के रूप में अवतार लिए हैं। जितना पावर कृष्ण में है इस कलयुग में उसके नाम में उतना ही पावर है। अगर हम लोग चाहते हैं कि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करें तो हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनका नाम लेके। अगर नाम लेंगे तो उतना ही शक्ति मिलेगा जितना कृष्ण का उपासना करके या फिर कृष्ण का पूजा करके। तो आप लोग क्या चाहते हैं, पूजा विधि अपनाना या फिर सिंपल विधि नाम लेना, है ना? तो इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है, और इसमें कोई विधि नहीं है, कोई ज्यादा रूल नहीं बताया गया है। आप जिस अवस्था में है, आप स्नान किए हैं या फिर नहीं किए हैं, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। दूसरा कारण क्या है कि इस युग में हम लोग तपस्या तो कर ही नहीं सकते, यज्ञ भी नहीं कर सकते, है ना? भगवान का आप सतयुग में नरसिंह देव का उपासना देखिए, बराह देव का उपासना देखिए, बहुत डिफिकल्ट था। भगवान राम का उपासना, आप अयोध्या जो जाते हैं डायरेक्ट आपके वहां के महंत आपको डायरेक्ट जाने भी नहीं देंगे। आप लोग गए अयोध्या? अभी जो रामलला है वहां पे किसी को जाने देता है? नहीं जाने देता है, बहुत ही सेक्रेट पैलेस है। अब अगर स्नान करके गए हैं और किसी साधु के टच में है, और ये भी बड़े साधु, वो जो महंत है वहां के, तब आपको दर्शन करने जाने देता है, ये भी दूर से, है ना? दर्शन तो ऐसे सभी को करने दिया जाता है, लेकिन गर्भगृह में जनरली नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने शुद्ध नहीं है, इसीलिए हम लोगों को विशेष कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी जो है ना, ये कलयुग के भगवान,
ये ऐसे कलयुग के ही भगवान नहीं है, सभी युग के भगवान है। यही सेम कृष्ण तो ये कृष्ण क्या कर रहे हैं हम लोगों पे विशेष कृपा करने के लिए, क्योंकि कृष्ण का डायरेक्ट हम लोग उपासना नहीं कर सकते, है ना। तो ये कृष्ण विशेष कृपा करने के लिए इस फॉर्म में आए हैं, जगन्नाथ जी के फॉर्म में। ये जो है ना एक मल्टिंग फॉर्म है, मीन्स की पिघला हुआ स्वरूप भगवान का, भाव भाव स्वरूप, भाव स्वरूप। इसको ऐसे समझिए, एक कथा आती है पुराणों में, इस कथा को थोड़ा शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक बार द्वारका की ये लीला है, कृष्ण इस रूप में कैसे आए इसको मैं बता रहा हूँ।